स्टार्ट करूं सर? हाँ मैं शुरू कीजिए। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। बहुत बोर फील कर रहे हो ऐसा लग रहा है, सारे ग्रुप लिफ्ट कर रहे हो, तो अभी साइंस का लेक्चर बाकी है। बच्चे लोग प्लीज इसे ज्वाइन करो और अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साइंस 2, जिसका सबक नंबर 6 हम शुरू करने वाले हैं, हैवानात की जमात बंदी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिए और समझिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे हैवानात की जमात बंदी के बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो इससे पहले हम जो है एक चार्ट पर नजर डालते हैं। ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये आपके सिलेबस के तमाम ही चैप्टर्स हैं, 1 से 10 तक जो चैप्टर्स हैं वो दिए हुए हैं, और एग्जाम में किस कितनी मार्क्स के ये चैप्टर्स के सवाल पूछे जाते हैं वो दिया हुआ है, विद ऑप्शंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज जो हम सबक शुरू करने वाले हैं वो है एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना? निशान दिख रहा है आपको, तो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए ये इसके अंदर के सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर से रिलेटेड सवाल जो होते हैं वो 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी पूछे जाते हैं, और ऑप्शंस के साथ में ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि वेटेज क्यों बताया जा रहा है, तो वेटेज इसलिए बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे अगर टोटल पर गौर करें तो टोटल जो मार्क्स है वो आपकी 40 मार्क्स की होती है, लेकिन ऑप्शंस के साथ में टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कम मार्क्स वाला जो टॉपिक स्किप करना है तो आप कोई स्किप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर पहला और आखिरी चैप्टर अगर देखो तो 3 और 5 मार्क्स दिया हुआ है दोनों में, तो इनमें से आप ऑप्शनल में कर सकते हो, आप चाहे पहला चैप्टर स्किप कर दो या लास्ट चैप्टर स्किप कर दो, तो फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों में से टोटल 8 मार्क्स का फर्क पड़ रहा है। 60 में से अगर हम 8 मार्क्स भी निकाले तो 52 जो है मार्क्स होती हैं, तो हमें 40 में से 52 मार्क्स तो हासिल करना नहीं है। लेकिन जब हम कोई चैप्टर स्किप करते हैं तो जो चैप्टर्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इतनी अच्छी से स्टडी करना है कि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसका जवाब हम बआसानी लिख सके, ठीक है? तो वेटेज बताने का ये मकसद था, समझा? इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में इसका याद रहे। तो आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन और हैवानात की जमात बंदी। हम अपने अतराफ में बहुत सारे हैवानात को देखते हैं, इनमें से कुछ हैवानात बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ जो है वो जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हैवानात रेंगते हैं तो कुछ पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, कुछ हैवानात की जिल्द पर सफने होते हैं तो कुछ हैवानात की जिल्द पर बाल या पर दिखाई देते हैं। इस तरह हैवानात में बहुत ज्यादा हमें तनाव और फर्क दिखाई देता है। हाल की मालूमात के मुताबिक जमीन पर अंदाजन 7 मिलियन किस्म के हैवानात का अंदाजा लगाया गया है। अब इनमें से हर जमात का मुतालिया करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हैवानात में यकसानियत और फर्क पर मुनासिर ग्रोह और जैली ग्रोह बना लिए जाएं, तो इन लातेदाद हैवानात का मुतालिया करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वजह से इन हैवानात की जमातबंदी करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जमातबंदी जो है इस तरह से हम बयान कर सकते हैं इसे कि खुसूसियात की यकसानियत और फर्क पर मबनी हैवानात के ग्रोह और जैली ग्रोह तैयार करना हैवानात की जमातबंदी कहलाता है। यहाँ हम एक मिसाल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है, है ना? आपकी स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं जमात के तलबा पढ़ते हैं तो उनकी लाइब्रेरी में भी, स्कूल की लाइब्रेरी में भी 8वीं 9वीं 10वीं से रिलेटेड जो है वो किताबें होंगी और हर मजमून की किताबें होंगी। फर्ज कीजिए आपको साइंस की किताब चाहिए और लाइब्रेरी में सारी किताबें बिखरी पड़ी हैं, तो क्या आपको साइंस की किताब आसानी से मिल जाएगी?
नहीं मिलेगी बहुत, और मिलेगी तो उसके लिए काफी वक्त जो है वो दरकार होगा, काफी मेहनत जो है वो दरकार होगी, बआसानी आपको वो मिलने से रही। लेकिन वही अगर किताबें तरतीब वार एक एक शेल्स में रखी जाएं, यानी आठवीं की अलग, नौवीं की अलग, दसवीं की अलग, फिर आठवीं में भी सब्जेक्ट वाइज अगर अलग अलग रखी जाए एक एक लॉकर में, तो आपको आसानी से दसवीं जमात की साइंस की किताब बआसानी मिल जाएगी। इसी तरह हैवानात में भी बहुत सारी अकसाम पाई जाती हैं, तो हर किस्म के हैवानात की स्टडी करना, उनका मुतालिया करना, जायजा लेना, ये काफी मुश्किल है। लेकिन अगर एक ग्रुप में उनको एक जमात बंदी कर दी जाए, ग्रुप बना दिया जाए, तो उनकी स्टडी करना आसान हो जाती है। तो जमात बंदी की ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तारीफ है, अक्सर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तारीफ या खाली जगह में भी पूछा जाता है। तारीफ क्या है? इसकी खसूसियात की यकसानियत और फर्क पर मबनी हैवानात के ग्रोह और जैली ग्रोह तैयार करना हैवानात की जमातबंदी कहलाता है। अगले लेक्चर में मैं आपसे ये तारीफ पूछूंगी, तो ये तारीफ आपको याद रखनी है। ओके। अब हम देखते हैं कि हैवानात की जमातबंदी तारीख क्या है। हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, जो मुख्तलिफ माहिरीन थे उन्होंने वक्तन फोक्तन हैवानात की जमातबंदी की कोशिश की थी। यूनानी फलसफी अरस्तु ने सबसे पहले हैवानात की जमात बंदी की थी। उन्होंने जिस्मानी जसामत, आदात, मस्कन जैसे मौजू पर मुश्तमिल जमात बंदी की थी। उनके बाद साइंस में तरक्की की बदौलत हवाले बदलते गए और उसके मुताबिक जमात बंदी के मौजूआत भी बदलते गए। अरस्तु के जरिए की गई जमात बंदी के तरीके को तरकीबी या मस्नूई तरीका कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं। इसके अलावा थियोफ्रेस्टिस, प्लेनी, जॉन रे और लीनियस ने भी जमातबंदी के लिए तरकीबी तरीके का सहारा लिया। बाद के जमाने में जमातबंदी के कुदरती तरीके का इस्तेमाल किया गया। जमातबंदी का कुदरती तरीका भी जानदारों की जिस्मानी बनावट, खसूसियात, उनके खलियात, क्रोमोसोम, हयाती कीमियाई खसूसियात जैसे मौजूदात पर मुनहसिर थी। कुछ जमाने के बाद इर्तिकाई उसूलों पर मबनी जमात बंदी अमल में लाई गई। डॉब्स, जेंसकी और मेयर ने इस तरीके की बुनियाद पर हैवानात की जमात बंदी की थी। समझाइए इसकी हिस्ट्री क्या है, हैवानात की जमात बंदी की हिस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जमात बंदी के कौन से, पहला है जानदारों का मुतालिया करने में सहूलत होती है, दूसरा किसी ग्रोह के चंद हैवानात का मुतालिया करें तब भी इस ग्रोह के तमाम हैवानात की मालूमात मिल जाती है, तीसरा हैवानात के इर्तिका से मुतालिक आगाही होती है, चौथा हैवानात की शनाख्त में आसानी होती है और गलती का इम्कान कम होता है, दूसरे जानदारों के साथ हैवानात के रिश्ते को समझने में मदद मिलती है, छठा हर हैवान का मस्कन यानी उसका घर रहने की जगह कुदरत में उनका हतमा मुकाम समझने में मदद मिलती है, सातवां हैवानात में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के तवाफुक की मालूमात होती है। तवाफुक यानी जो जानदार अपने माहौल के लिहाज से अपनी जिस्मानी और जिस्मानी उनके जो आज़ा होते हैं उनमें तब्दीलियां जो होती हैं, उनकी आदतों में जो तब्दीलियां होती हैं उसे तवाफुक कहते हैं, यानी माहौल के लिहाज से अपने आप को ढाल लेना वो तवाफुक कहलाता है। तो जमात बंदी के ये सारे फायदे हैं। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कार्ल वूज ने रिवायती तरीका जो है इस तरह से दरियाफ्त किया और इस तरह से हैवानात को 2 ग्रोहों में बांटा कि जिन हैवानात में पुश्ते हबल की मौजूदगी होगी या गैर मौजूदगी होगी, इस बुनियाद पे उन्होंने हैवानात को 2 ग्रोहों में बांट दिया। अब पुश्ते हबल क्या है? पुश्ते हबल जो होता है जिस्म को सहारा देने वाली एक लंबी डोरी जैसी साख्त होती है जो जिस्म के जोहरी जानिब होती है, जोहरी जानिब यानी पीठ की जानिब होती है। तो उस हिसाब से कार्ल वूस ने हैवानात को 2 ग्रोहों में तकसीम की।
और उन दो गुरुओं का नाम क्या था? एक जो है वो गैर हबली, गैर हबलिया जानदार, यानी ऐसे जानदार जिनमें फिक्री सुतून मौजूद नहीं है, नोटोकॉर्ड जिसमें मौजूद नहीं है ना, उसे क्या कहा जाता है? गैर हबली। और जिसमें फिक्र सुतून मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? हबलिया जानदार कहा जाता है। इसकी हम डिटेल स्टडी अभी करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि गैर हबलीय जो जानदार है या जिन्हें कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, उनकी क्या क्या खसूसियात है। पहली जो खसूसियात ये है कि जिस्म पर हबले पुष्ट का सहारा नहीं होता, यानी फिक्री सुतून मौजूद नहीं होता, नोटोकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं होता है ना, जिसे हबले पुष्ट और पुष्ट हबले जो कहा जाता है वो नहीं होता। इस वजह से इन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है और गैर हबलीय कहा जाता है। दूसरी खसूसियत यह है कि हलक में गलफड़े नहीं होते, यानी सांस लेने के लिए हम जो फेफड़े इस्तेमाल करते हैं ना, हमारी जिस्म के जो आजा हैं, अंदरूनी आजा, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही जो पानी में रहने वाले जानदार है वो गलफड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें जो है गलफड़े नहीं होते सांस लेने। दूसरा है, अगला जो पॉइंट हो तो जोड़ी की शक्ल में होता है। अब यहाँ पे शक्ल में आपको दिख रहा है कि एस्पिडोल ये कैसी होती है, जोड़ियों की शक्ल में होती है, ठोस और की होती है। अब जोहरी जानिब यानी पीठ का हिस्सा और बतनी जानिब यानी हमारे चेहरे का जो हिस्सा होता है, फ्रंट जो पार्ट होता है वो बतनी जानिब होता है। तो अस्पिडोर कहाँ होती है इनकी, ये बतनी जानिब यानी जिस्म के अगले हिस्से में होती है। चौथा जो पॉइंट है कि अगर दिल मौजूद है तो वो जिस्म की जोहरी जानिब होता है, यानी बैक साइड में दिल मौजूद होता है। तो ये जो खसूसियात हैं, चार खसूसियात, ये गैर हबलीय जानदार यानी नॉन कॉर्डेट्स के जानदार जो हैं उनकी खसूसियात हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गैर हबलीय, जो गैर हबलीय जानदार अभी हमने देखा उसकी खसूसियात देखी, लेकिन गैर हबलीय हैवान को मजीद 10 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। इन ग्रोहों को कहते हैं आयला, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे फाइलम। ये जो टर्म्स है आपके लिए नई है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान दें कि किस तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता है, पढ़ा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो गैर हबलीय जानदारों को जो 10 ग्रोह में तकसीम किया गया है वो हम देखते हैं। पहला है प्रोटोजोआ, जिसे हम इब्तदाई हैवान भी कह सकते हैं। दूसरा है मसामदार जिस्म वाले पोरीफेरा। तीसरा स्तवानानुमा जिस्म वाले सिलेंट्रेटा। चौथा चपटे दूधे प्लैटीहेलमिंथेस। पांचवा गोल दूधे एस्किलेमिंथेस। छठा हल्केदार दूधे एनालिडा। सातवां जोरदार पैर वाले आर्थ्रोपोडा। आठवां नर्म जिस्म वाले मॉलिस्का। नौवां शोकादार जिस्म वाले और शोकादार जिल्द वाले इकाइनोडर्माटा। और दसवां नीम नखाइए, जिन्हें हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। तो इस तरह गैर हबलीय जो जानदार हैं इनको जो 10 ग्रोहों में तकसीम किया गया है वो कुछ इस तरह से हैं। इनकी डिटेल और तफसीली मालूमात हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं, तो ये टर्म्स आप याद रखें। ये देखा हमने गैर हबलीय जानदार और उनकी खसूसियात। अब हम देखेंगे हबलीय हैवानात, कॉर्डेट्स, ऐसे हैवानात जिनमें हबले पुष्ट तो होता है और सहारा देने वाले फिक्री सुतून मौजूद होते हैं, उन्हें हबलीय जानदार कहते हैं। इनकी कुछ खसूसियात है, पहला कि नोटोकॉर्ड मौजूद होता है यानी फिक्री सुतून मौजूद होता है। इस शक्ल का अगर मुशाहिदा करें तो आपको दिखाई देगा हबले पुष्ट तो जो है वो जो है जोहरी जानिब यानी पीठ की जानिब मौजूद है। दूसरा है सांस लेने के लिए गलफड़े या फेफड़े मौजूद होते हैं। तीसरा असबी डोर जिस्म की जोहरी जानिब होती है, जोहरी जानिब यानी पीछे का हिस्सा, अगला हिस्सा जोहरी जानिब, सॉरी पिछला हिस्सा जोहरी जानिब। तो असबी डोर कहाँ होती है, जैसे आप दिखाई दे रहे हैं जोहरी जानिब जो है होती है। चौथा जो है दिल जिस्म की बतनी जानिब होता है, यानी फ्रंट साइड होता है दिल। यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि हबलीय और गैर हबलीय हैवानात में फर्क वाजे कीजिए, तो आपको दोनों जो है कॉलम बनाकर आपको 4 4 पॉइंट्स लिखना होता है। फर्क करने वाले 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स आपको लिखना है मिसालों के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हबलीय और गैर हबलीय जानदार हमने देखे। अब जो हबलीय जानदार हैं और हैवानात हैं, इनको एक ग्रोह में ना शामिल किया गया है और इस ग्रोह का नाम ही हबलीय रखा गया है। ये जो हबलीय जानदार हैं, ये जो ग्रोह है, इसको मजीद 3 ज़ैल ग्रोह में
गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और रीढ़दार और फिक्रिये, जिसे वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, आप लिहावनात को तीन मजीद ग्रोहों में तकसीम किया गया है जैली ग्रोह में। कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और रीढ़दार और फिक्रिये। अब यहाँ पे आप इस चार्ट का मुशाहिदा करें तो आपको दिखाई देगा कि जो रीढ़दार और फिक्रिये जो जानदार हैं, इनको मजीद जो है डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ जमातों में तकसीम किया गया है। तो ये जमातें कितनी है, टोटल 6 जमातें हैं। रीढ़दार जो हैवानात है उनको 6 जमातों में तकसीम किया गया है। पहला है गोल मुंह वाले, जिसे क्लास साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। दूसरा है क्लास स्पाइसेस यानी मछलियां। तीसरा है क्लास एम्फीबिया यानी जलथलिये। चौथा है क्लास रेप्टिलिया यानी रेंगने वाले। पांचवा है एव्स यानी परिंदे। और छठा है क्लास मैमिलिया यानी पिस्तानी। तो इस तरह से रीढ़दार वाले जो हैवानात हैं उनको 6 जमातों में तकसीम किया गया है। समझाइए, सरसरी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हैवानात को तकसीम किया गया है। आलमी हैवानात में मुरवी जमात बनती। आलमी हैवानात हमने देखा कि फिक्री सुतून की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है। गैर हबलिये, गैर हबलिये को मजीद 10 जमातों में तकसीम किया गया है जो हमने देखा। उसके बाद जो हबलिये हैं उनको मजीद 3 फाइलम्स में तकसीम किया गया है, 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है, जो हमने अभी देखा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और फिक्रिये। फिक्रिये को मजीद 6 जमातों में तकसीम किया गया है जो अभी हमने इसकी स्टडी की। इन तमाम फाइलम्स और इन तमाम क्लासेस के बारे में हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे अपने अगले जो सेशंस हैं उसमें। हम इसको बराबर से देखेंगे और इसकी मालूमात हासिल करेंगे। इतना समझा सभी को? अभी जो हैवानात की जमात बनने का ये तरीका अभी तक जारी था, लेकिन अब एक नया तरीका इख्तियार किया जा रहा है। इस नए तरीके की हम फिलहाल रॉबर्ट व्हिटकर के 5 आयलों की जमात बंदी के तरीके के मुताबिक तमाम कसीर हुलवी मिलिया में शामिल किए गए हैं। रॉबर्ट व्हिटकर ने जो है हैवानात की जमात बंदी की, तो जो किस बुनियाद पे उन्होंने जमात बंदी की, उसकी 5 जो है नुकात हैं, वो नुकात अभी हम देखेंगे। और सबसे पहला जो है उन्होंने क्या किया कि जो कसीर खुलवी हैवानात हैं उनको किंगडम एनिमेलिया में शामिल कर लिया। जो 5 कौन से हैं वो 5 नुकात, पहला है जिस्मानी तंजीम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिस्मानी तशक्कुल बॉडी सिमेट्री, जिस्मानी कैफा बॉडी कैविटी, नाभ तह जर्मिनल लेयर और हल्कादारी सेगमेंटेशन। इन 5 नुकात की बुनियाद पर इन्होंने हैवानात की जमात बंदी की, कसीर खलवी हैवानात की जमात बंदी की। ठीक है, आइए एक के बाद एक हम देखते हैं। पहला है जिस्मानी तंजीम। ठीक है, हैवानात की जमात बंदी का नया तरीका इस्तेमाल करदा बुनियादी नुकात, जो नुकात हमने देखे हैं। पहला है तंजीमी मियार यानी ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हैवानात का जिस्म खलियात से मिलकर बना होता है। कसीर खलवी हैवानात में कई खलियात मुख्तलिफ अफाल अंजाम देते हैं। यक खलवी जानदार का जिस्म एक ही खलिये से बना होता है, इसलिए तमाम जरूरी हयाती अफाल वही खलिया अंजाम देता है। यक खलवी जानदार की जिस्मानी तंजीम को नग्ज माया म्यार यानी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड किस्म की होती है। कौन सी तंजीम होती है इनमें? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। कसीर खलवी हैवानात में अगर नसीजें तैयार नहीं होती हैं तो उनकी जिस्मानी तंजीम खलवी मियार तंजीम यानी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस्म की होती है। मिसाल के तौर पे फाइलम पोरिफेरा, मसामदार जिस्म वाले। बास हैवानात में खलिये एक जगह जमा होकर नसीज बनाते हैं और ये नसीजें उन हैवानात के हयाती अफाल अंजाम देती हैं। इस किस्म के हैवानात खलिया नसीज मियार तंजीम यानी सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे फाइलम निडेरिया के हैवानात। इसी तरह से चपटे दूधे में नसीज उज्व मियार तंजीम यानी टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है।
इस किस्म में कुछ नसीजें यकजा होकर मखसूस आजा की तश्कील करती हैं, लेकिन मुकम्मल आजा की तश्कील नहीं होती। ये कौन सी किस्म का होता है नसीज? उज्व मियार तंजीम, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं। अगली मियार तंजीम है उज्व निजाम मियार तंजीम। यहाँ पर इंसान के अंदर मुख्तलिफ जो है उजलात होते हैं और आजा होते हैं, इन आजा को मिलाकर निजाम बनते हैं और ये निजाम जो है मुख्तलिफ अफाल अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान, मेंढक और केकड़ा, इनमें उजवी निजाम मियार तंजीम जो है वो जाहिर होती है। अब इस जिस्म का मुशाहिदा करें तो बहुत सारे आजा में दिखाई देते हैं, जैसे है दिमाग, मुंह, फेफड़े, दिल, जिगर और गुर्दा। इसी तरह से जिस्म में मुख्तलिफ हड्डियां भी होती हैं। अगर और लचकदार उजलात मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हम रान देखें तो यहाँ पर चौसीरी उजलात, चार सिरे वाले उजलात मौजूद होते हैं। इन तमाम को उज्वों को मिलाकर निजाम बनते हैं, इसलिए इसे उज्वी निजाम मियार तंजीम कहा जाता है। समझाइए निजाम। अब हम देखते हैं कि अगला नुक्ता जिसकी बुनियाद पर रॉबर्ट विटकर ने जमात बंदी की थी वो क्या है। दूसरा है जिस्मानी तशाकुल, बॉडी सिमेट्री। पहला हमने देखा तंजीमी मियार कि किस तरह से मुख्तलिफ तंजीमों की बुनियाद पे जमात बंदी की जाती है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है वो है जिस्मानी तशाकुल यानी बॉडी सिमेट्री। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए। दो तस्वीर हम लेते हैं, एक तस्वीर है अमीबा की और एक तस्वीर है एक इंसान की। अब हम एक इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं, एक महवर बनाते हैं इस तरह से कि इनके जिस्म दो हिस्सों में तकसीम, मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाए। यहाँ पे आपको अब क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम अमीबा को देखें तो ये जो महवर है इसकी वजह से अमीबा के जिस्म दो मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं हो रहे हैं, जबकि इंसानी जिस्म जो है मसावी दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि अगर किसी हैवान के जिस्म को ख्याली महवर पर कता करें तो दो मसावी हिस्से हासिल होंगे या मुख्तलिफ हिस्से हासिल होंगे। इस खसूसियात की बुनियाद पर हैवानात के जिस्म की मुख्तलिफ किस्में हैं। आइए वो किस्में देखते हैं। पहला है गैर तशाकुली जिस्म, असिमेट्रिकल बॉडी। दूसरा है दो जानिबी तशाकुल यानी बायलेटरल सिमेट्री। और तीसरा है निस्फ कुतरी तशाकुल यानी रेडियल सिमेट्री। पहला हम देखते हैं गैर तशाकुली जिस्म। इस किस्म के अजसाम में ऐसा कोई ख्याली महवर नहीं होता जिसके जरिए दो मसावी या मुतमासिल हिस्से हासिल हों। मिसाल के तौर पे अमीबा, पैरामेशियम और कुछ किस्म के स्पंज, ये गैर तशाकुली जिस्म जाहिर करते हैं। दूसरा है दो जानिबी तशाकुल। इस किस्म के अजसाम में सिर्फ एक ऐसा ख्याली महवर होता है जिसके जरिए हम दो मुतमासिल हिस्से हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेंढक, परिंदे, इंसान वगैरह, ये दो जानिबी तशाकुल जाहिर करते हैं। तीसरा है निस्व कुतरी तशाकुल, रेडियल सिमेट्री। इस किस्म के अजसाम में अगर ख्याली का तयखत उसके वस्ती महवर से गुजरता है तो दो मुतमासिल हिस्से हासिल होते हैं। मसलन तारा मछली, तारा मछली में पांच मुख्तलिफ सतहों से कतेखत गुजरे तो हर मरतबा दो मुतमासिल हिस्से हासिल होते हैं, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पे स्टार फिश और सी एनामोन। अगला जो बुनियादी नुक्ता है वो हम देखेंगे, तीसरा नाबत तय, जिसे जर्मिनल लेयर्स कहा जाता है, ठीक है, जो विटकर ने, रॉबर्ट विटकर ने जो नुकात पेश किए थे, जिन नुकात की बुनियाद पे उन्होंने हैवानात की तकसीम की थी और हैवानात को डिवाइड किया था, दर्जा बंदी की थी, तो उसमें तीसरा पॉइंट है नाबत तय, जर्मिनल लेयर। क
कसीरकल्बी हैवानात में उनकी जिनीनी नशोनुमा के इब्तदाई दौर में ही नाभित तह या जर्म लेयर तैयार होती है। इस नाभिती तह ही से उस हैवान के जिस्म की मुख्तलिफ नसीजें तैयार होती हैं। कुछ हैवानात में ये डिप्लोप्लास्टिक होती है यानी दोहरी होती हैं और कुछ हैवानात में ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है यानी तेहरी होती है। यहाँ पे दोहरी जो होती हैं उनमें बरून उद्मा यानी एक्टोडर्म और दरून उद्मा यानी एंडोडर्म, उद्मा यानी लेयर्स, इस तरह से लेयर्स होती हैं, तय होती हैं, तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसी तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक मजीद लेयर होती है जिसे म्यान उद्मा कहते हैं, दरमियान में होता है वो, है ना, जिसे मेजोडर्म कहा जाता है। इस तरह से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये नाप तह की बुनियाद पे हैवानात की जमातबंदी की जाती है। अगला है जो नुक्ता हम देखने वाले हैं वो है जिस्मी कहफा, बॉडी कैविटी और सीलम। जिस्म की दीवार और अंदरूनी आजा के दरमियानी खिला को जिस्मी कहफा कहते हैं। कसीर खलवी हैवानात में उनकी जिनीनी नशोनुमा के इब्तदाई दौर में म्यान उद्मा यानी मेजोडर्म या आंतों से जिस्मी कहफा तैयार होता है। इस किस्म का जिस्मी कहफा आयलादार हल्का दार दूधों यानी एनेलिडा में और इस आयले के बाद आने वाले तमाम आयलों के हैवानात में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, इकाइनोडर्मेट और हेमिकॉर्डेटा, इनमें ये जिस्मी कैफे, हकीकी जिस्मी कैफे पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है यूसिलोमैट। क्या कहा जाता है? हकीकी जिस्मी कैफे वाले यूसिलोमैट कहा जाता है। अब यहाँ पे आयला मसामदार जिस्म वाले जो हाजमी खेला वाले और चपटे दूधों में जिस्मी कैफा नहीं होता तो ऐसे हैवानात को क्या कहा जाता है? आसिलोमैट कहा जाता है। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम निडायरिया और फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस, इनको क्या कहा जाता है? आसिलोमैट कहा जाता है, यानी इनमें जिस्मी कैफे नहीं होते। लेकिन ऐसे और हैवानात हैं जिनमें जैसे कि आयला गोल दूधे से ताल्लुक रखने वाले हैवानात में जिस्मी कैफा होता है लेकिन वो इन दोनों तरीकों से तश्कील नहीं पाता, इसलिए इनके जिस्म के कैफे के हामिल हैवानात को काजिर जिस्मी कैफे वाले या सीडोसिलोमैट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जो फाइलम एस्केलेमिंथेस है, गोल दूधे हैं, क्या कहा जाते हैं इन्हें? सीडोसिलोमैट्स कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो नुक्ता है वो है जिस्मानी हलकों में तकसीम। ये जो पांचवा पॉइंट है इस बुनियाद पे रॉबर्ट विटकर ने हैवानात की जमातबंदी की थी, तो पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, जिस्मानी हलकों में तकसीम, बॉडी सेगमेंटेशन। अगर किसी हैवान के जिस्म को छोटे छोटे मुतमासिल टुकड़ों में तकसीम किया जाए तो ऐसे जिस्म को हल्केदार जिस्म या सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं हैं और हर हिस्सा जो है वो हल्का कहलाया जाता है। मसलन आयला हल्का दार दूधे का जो हैवान है केचुआ और लीच, ये जो है क्या है कि जिस्म है वो रखते हैं। इस तरह रॉबर्ट विटकर ने पांच नुकात की बुनियाद पे हैवानात की जमातबंदी की थी। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है चार्ट जिसमें आप जो आज हमने स्टडी किया है वो हमें दिखाई दे रहा है कि आलम हैवानात को किस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जिस्मानी तंजीम की बुनियाद पे दो ग्रोह हमने देखे, खलवी मियार और नसीज आजा उजवी निजाम मियार जिस्मानी, ठीक है, दो तरह के ग्रोह हमने देखे। फिर खुलवी मियार में जिस्मानी के तशाकुल की बुनियाद पे एक ग्रोह हमने देखा, गैर तशाकुली जिस्म, ठीक है, और नसीज आजा उजवी निजाम मियार जिस्मानी, इसमें हमने देखा निस्फ कुतरी तशाकुल जैसे कि स्टारफिश हमने देखा और दो जानबी तशाकुल जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडी देखी और मुख्तलिफ जानदार भी दो जानबी तशाकुल में शामिल हैं, ठीक है, ये हमने देखा। फिर यहाँ पे जिस्मी कैफे की बुनियाद पे हमने देखा कि गैर जिस्मी कैफे वाले जानदार किस तरह से होते हैं, है ना, निस्फ कुतर तशाकुल में गैर जिस्मी कैफे वाले जानदार कौन से हैं और ये किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं? निडेरिया से। और गैर तशाकुली जिस्म वाले किससे ताल्लुक रखते हैं? मसामदार जिस्म वाले। इसी तरह निस्फ कुतरी तशाकुली वाले जो हैवानात है वो गैर जिस्मी कैफे वाले हैं और ये कौन से ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं? निडेरिया से। दो जानबी तशाकुली जो तशाकुल रखने वाले जो जानदार हैं उनको तीन ग्रोह में तकसीम किया गया है,
है ना, जिस्मी कहफे की बुनियाद पे तीन गुरु आपको दिखाई दे रहे हैं, गैर जिस्मी कहफा वाले, काजिब जिस्मी कहफा वाले और हकीकी जिस्मी कहफा वाले। अब गैर जिस्मी कहफा वाले इनमें कौन से हैवाना शामिल है, वो है चपटे दूते। काजिब जिस्मी कहफा वाले जो है उसमें शामिल है गोल दूते, और हकीकी जिस्मी कहफा वाले जो है उसमें कौन कौन से शामिल है, हल्कादार दूते, जोरदार पैर वाले, नर्म जिस्म वाले, शोकादार जिल्द वाले, नीम नखाइए और फिक्री हैवानात। तो बच्चों आज हमने जो देखा है वो आलम हैवानात में जिस्मानी तंजीम की हमने स्टडी की, जिस्मानी तशाकुल को हमने देखा और जिस्मानी कैफे के बारे में मालूमात हासिल की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हैवानात का जो ग्रोह है उसके बारे में मजीद तफसीली मुतालिया करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का जो लेसन है वो आपको समझ में आया होगा। आपके लिए सारी टर्म्स नई है इसलिए आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए और याद रखिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है।